देश में जब तक अपनी पहचान नहीं बनाओगे वहां के शासक नॉमिनेट नहीं करेंगे. उनका अपनी तरह का संघर्ष है. और जो जिनके पुरखे इंडेंजर्ड लेबर के तौर पर गए थे उनका दूसरी तरह का संघर्ष है. उस संघर्ष से आप संसद तक कैसे पहुंचे उस सफर की कहानी हम आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे पहले सत्र में, जिसका थीम है संघर्ष से संसद तक का सफर. और दूसरा हमारा सत्र है विश्व में उभरते भारत में प्रवासी सांसदों की भूमिका. मैं यहां सबके सामने स्वीकार करना चाहूंगी कि आज विश्व में भारत का जो प्रभुत्व बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जाता है. आज भारत ग्लोबल एजेंडा तय करने वाला एक देश बना हुआ है. G20 में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो ब्लैक मनी को सेंटर स्टेज पर लेकर आते हैं और केवल कहकर नहीं चले आते, घर में वापस लौटने के बाद डिमोनेटाइजेशन और GST जैसे साहसिक निर्णय करके विश्व को दिखाते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं. वो हैम्बर्ग में जाते हैं तो आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए इसके लिए 11 सूत्री फॉर्मूला देते हैं. वो संयुक्त राष्ट्र में SDGs पर बोलने जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर, तो पॉवर्टी एलिविएशन जैसी चीजों को उसमें जुड़वाने का काम करते. कितनी ही चीजें हैं जहां ग्लोबल एजेंडा में, चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करूं, कितने नए इनिशिएटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करूं, कितने पहले आज भारत ने की हैं. लेकिन इस उभरते हुए भारत में आप जो सांसद हैं अपने अपने देशों में क्या भूमिका निभा सकते हैं, क्या निभा रहे हैं, ये हमारा दूसरा सत्र है. यानी पहले सत्र में आपका अतीत हमारे सामने आएगा, दूसरे सत्र में आपका वर्तमान हमारे सामने आएगा और भविष्य का आपका क्या रोडमैप है, आप कैसे इस उभरते हुए भारत को विश्व में अपनी भूमिका निभा करके और उभार सकते हैं, ये दो चीजों का मेल हमारा ये आज का सम्मेलन होगा. मैं पुनः एक बार आप सबका हृदय से स्वागत करती हूं और प्रधानमंत्री जी ने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया, विचार उन्हीं का था, उनके प्रति धन्यवाद करती हूं. हमारे दोनों सदनों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स यहां हैं, हमारे डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा यहां हैं, डिप्टी स्पीकर लोकसभा यहां हैं, उनको विशेष तौर पर उनकी उपस्थिति के लिए आभार प्रकट करती हूं. पूरा दिन आज हमारा प्रवासी भारतीयों को ही समर्पित है. पहले सेशन होगा इनके बाद, इनॉग्रल सेशन के बाद थीमेटिक सेशन पहला होगा और लंच, और उसके बाद दूसरा थीमेटिक सेशन होगा और उसके बाद शाम को समापन के लिए हमारे उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं एक्स ऑफिशियो. तो हम ये चाहते थे कि दोनों सदनों के हमारे पीठासीन अधिकारी आएँ. स्पीकर साहिबा यहाँ नहीं हैं, सेशंस गई हुई हैं, वरना उनको भी हम जरूर आमंत्रित करते, हमने आमंत्रित किया था लेकिन उन्होंने असमर्थता प्रकट की. तो वेंकैया जी के भाषण के साथ इसका समापन होगा. पुनः आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार. कुरियन जी,